नमस्कार, आप देख रहे हैं बॉली फ्राई। बिग बॉस 13 में सिद्धार्थ शुक्ला और असीम रियाज की लड़ाई बीती रात इस घर में हदें पार करती नजर आई। आलम यह था कि उनकी इस लड़ाई का नज़ारा देखकर बिग बॉस तक को हाथापाई करने को लेकर उन्हें निर्देश देना पड़ा। हालांकि दोनों अपने आपे से बाहर हो चुके थे और वे उन्हें सुनने की हालत में भी नहीं थे। अब इस घर में एंट्री होने जा रही है पूर्व कंटेस्टेंट हिना खान की। सिद्धार्थ और असीम रियाज की लड़ाई एक दूसरे के लिए काफी गंदी हो चुकी है और हालात यहां तक पहुंच चुके हैं कि सिद्धार्थ इस घर से बाहर निकलने की बात करते नजर आ रहे हैं। हालांकि लड़ाई के बाद असीम सिद्धार्थ शुक्ला से बातचीत की शुरुआत करते दिखते हैं, जो कि चुपचाप गार्डन एरिया में बैठे हैं। वे सिद्धार्थ से शांत रहने को कहते हैं और सलाह देते हैं कि वे 10 से 1 तक की उल्टी गिनती गिने। आसिम जी भी कहते हैं कि वे बाद में मिलेंगे और इन सब के बारे में बात करेंगे। दरअसल असीम उनसे कहते हैं कि वे खुद पर कंट्रोल रखें वरना उनकी तबीयत खराब हो सकती है। हालांकि ये सब मजाकिया अंदाज में कहते हैं और सिद्धार्थ एक बार फिर अपना कंट्रोल खो देते हैं। सिद्धार्थ असीम से कहते हैं कि उनको प्रॉब्लम क्या है, जिस पर वह चीखते हुए जवाब देते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ से निकलो। इसके बाद वह सिद्धार्थ से कहते हैं कि बैठ जाओ, क्योंकि इलीट क्लब के सेकंड लेवल टेस्ट के लिए हिना खान आ चुकी हैं। रश्मि देसाई दोनों को शांत रहने के लिए कहती है। इसके बाद आसिम सिद्धार्थ को हिदायत देते हैं कि वह उन्हें घूरे नहीं और देखते ही देखते एक बार फिर सिचुएशन हाथ से बाहर होता नजर आता है। बिगड़े हालात देखकर आखिर बिग बॉस उन्हें कन्फेशन रूम में बुलाते हैं और वे पूछते हैं कि आखिर वे करना क्या चाह रहे हैं। सिद्धार्थ फ्रस्ट्रेट होकर कहते हैं कि वे आसिम से परेशान हो चुके हैं और वे उन्हें लगातार पोक कर रहे हैं। वे कहते नजर आते हैं कि अभी के अभी शो छोड़ रहे हैं और असीम यहाँ रह सकते हैं।